आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ के फिजिक्स का चैप्टर एक का ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच में। क्वेश्चन नंबर तीन, मोटरगाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर चार, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर पाँच, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर छः, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी प्लस, डी एंगस्ट्रॉम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर सात, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर आठ, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। दिया हुआ है लेंस की क्षमता इजकल टू 2D, तो हम जानते हैं कि क्षमता इजकल टू 1/f। तो यहाँ पर क्षमता के नीचे 2D दिया हुआ है, तो इजकल टू 1/f। तो यहाँ पे f ले जाएंगे और यहाँ पर 2D चलाएगा, तो f इजकल टू 1/2D। तो 1/2 × 100 ये मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 1/2 × 100 दो से ये 50 सेंटीमीटर, तो इसलिए f इजकल टू 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी ए +5D, बी -5D, सी -2D, डी +2D। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्वि उत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? एक, दो, तीन, चार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दो। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, एक में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।